इस सेना में जवानों को कथित तौर पर मिलने वाले घटिया क्वालिटी के भोजन की पोल खोलकर चर्चा में आए बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव के बेटे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पुलिस ने इसे सुसाइड का मामला मानते हुए जांच शुरू कर दिया है। बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव का बेटा रोहित गुरुवार की शाम को रेवाड़ी के शांति विहार कॉलोनी स्थित आवास में मृत अवस्था में मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाला रोहित अपने घर आया हुआ था। उसके पिता तेज बहादुर कुंभ में इलाहाबाद गए हुए हैं, जबकि मां घर पर ही है। गुरुवार की शाम दफ्तर से लौटने पर उन्हें रोहित का कमरा बंद मिला। काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हमें सूचना मिली कि रोहित ने आत्महत्या कर ली है। घटनास्थल पर पहुंचने पर हमें रूम अंदर से लॉक मिला। अंदर जाने पर हमें बेड पर पड़ा हुआ रोहित का मृत शरीर बरामद हुआ और उसके हाथों में एक पिस्टल भी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहित नाम के लड़के ने, रोहित सन ऑफ तेज बहादुर ने शांति विहार में जो किराए पर रह रहे थे उनके लड़के ने ऐसे ऐसे सुसाइड कर लिया है। तो जिस इतला पर हम वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पर मौके पर पहुंचकर देखा है कि भाई अंदर से कुंडी लगी हुई थी इसकी कमरे की, और फिर एफएसएल टीम और एसएचओ साहब की हाजिरी में वहां पर उसको कमरे को खुलवा करके उसका निरीक्षण किया गया, जिसमें देखा कि रोहित बेड पर क्या नाम है उसकी गर्दन बेड से नीचे लटकी हुई थी और मुंह से नाक से कान से खून निकला हुआ था और मौके पर उसके हाथ में।